दूसरी वो होती थी ना निकालने की मक्खन की, वो हाथ की होती थी रही। काट के हाथ की, हाथ तो मिला लकड़ी की ना, लकड़ी की। अब वो कहीं नहीं मिलती किसी के घर में? नहीं सर, तो यहाँ अच्छा अच्छा और अब यही मशीन सब यूज करते हैं ना? सब इस तो भी जरी तो बोलने लगे ना, तो इसे भी रई बोलते हैं? हाँ रई है ये, और उसे भी रई बोलते थे? रई बोलते हैं। अच्छा, ये तो बिजली से चलने वाली हो गई ना? हाँ ये बिजली से चलेगी। अच्छा, और कितनी देर लग जाती है इस मशीन में भी वैसे? ये लग जाए आध घंटा भी लग जाऊंगा। अच्छा, लंबी आ जाऊं थोड़ा बहुत। अच्छा, ज्यादा भी लग जाऊं। तो ये देखिए आप, दही से मथने के बाद ये जो घी है, मक्खन है, ये ऊपर आ जाता है ऐसे, और बाकी की छाछ ना मम्मी जी। तो ये बन गया है फ्रेंड्स मक्खन, और इसी को गरम करके घी बन जाता है, जो कि हम घी भी खाते हैं पराठों में। तो अभी तो हम इस मक्खन को खाने जा रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ खाने में बना है सरसों का साग। आज क्या खा रहे हो लंच में? लंच में आज फेवरेट चीज बनी हुई मेरी। क्या है? बाजरे की रोटी। हाँ? और हरा साग, और ये घर का मक्खन, मक्खन दही और दही। मम्मी जी ने बनाई है सारी चीजें। हाँ, गाजर का हलवा भी तो बना था, ले लिया आपने? मतलब ये सारी चीज़ें ना मम्मी ने ही बनाई हैं, साग भी, हलवा भी, बाजरे की रोटी भी उन्हें ही आती है तो वही बनाती हैं, और दही मक्खन तो सारा काम खैर उन्हीं का होता है सुबह सुबह हमेशा। खाए जाओ, खाए जाओ, सेहत बनाए जाओ। मैं खा लूँगी खाली मक्खन के साथ ही, अच्छे लग रहे हो है ना? सिर्फ मक्खन ही मतलब इतना टेस्ट दे देता है ना, मक्खन के साथ ही अच्छी लग रही है। सब्जी की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं होती गांव में, यही तो फायदा है ना, कि मतलब दूध मक्खन यही इतना हो जाता है। तो दूध दही का खाना तो है ही हरियाणा में, दूध दही का खाना तो है ही। थोड़ा जोर से भी बोल लो, दूध दही का खाना तो है ही यहाँ पे। मैं चलती हूँ और मम्मी जी को दिखाती हूँ कि वो कैसे बना रही है बाजरे की रोटी। चूल्हे पे भी बनाते हो मम्मी जी? हाँ चूल्हे पे बनते। तो आज गैस पे बना रहे हो? आज गैस पे भी तीसरा बनाने लगी, चूल्हे में कहीं बराबर वाले। हाँ, इसमें ये दिक्कत है ना कि जब बनाओ तो उसी वक्त आटा गूंदना पड़ता है। इसी वक्त फिर सारे इकट्ठे खाते पे बन जा। हाँ, तीसरी बार लगे बनाने। बताओ, सुबह से तीसरी बार बना रही हो मम्मी जी, कि जितनी बार जो खा रहे हैं तो उतनी बार आटा फिर से गूंदे? ये गरम गरम खाई जाती है ना। हाँ, ठंडी भी खाई जाती है कभी कभार ना। हाँ। तो गरम होता है ना बाजरा वैसे? हाँ, बाजरा जो ज्यादा सब्जी होती है ना, बाजरे की रोटी जो बनती है इसीलिए बनती है। हाँ, गर्मी में खाया जाता है गर्म। हाँ, तो चूल्हे पे तो थोड़ा और स्वाद आता होगा कुछ? हाँ, चूल्हे पे जो बढ़िया लगे। पहले के जमाने में तो चूल्हे पे बनता था। हाँ। वो तो अब बनने लग गए गैस पे सारी चीज। रेखा इसमें क्या है?
ओह माय गॉड, देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी जलेबी। ये ना बहुत ही फेमस जलेबी है, ये शायद गोहाना जलेबी है ना। हाँ, ये स्पेशली गोहाना जलेबी, और ये एक पाव की शायद एक ही होती है ये, है ना। चाय के साथ अब जलेबी ले ली जाए, इसमें तो एक नहीं मतलब पेट भर जाएगा। ये खाइए आप गोहाना जलेबी। इतनी मोटी थोड़ी खा पाऊंगा मैं। अच्छा जितनी खानी है खा लो, खा लो तुम भी, आप खाओ पहले। ठीक है, कड़क। वो सर्दियाँ है ना, थोड़ा वो जम भी जाता है ना चाशनी वगैरह। अरे किसी बना लो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गांव में मशीन होती है, ये चारा काटने की मशीन है, ये हाथ से चलती है और यहाँ से चारा कट के निकल जाता है, और इसके साथ ही जुड़ी हुई है आटा पीसने की चक्की। ये आजकल सब घर में रखने लगे हैं क्योंकि बड़ी फैमिली होती है, तो मोटर एक ही होती है इस मशीन में, और इसमें दो दो काम आप कर सकते हैं, कभी आप चारा काटें कभी आप आटा पीसिए। ये देखिए राजेश और पिताजी मिलकर चारा काट रहे हैं। ये इस मशीन में यही फ़ायदा है कि इसमें चारा भी हो जाता है और आटा भी पिस जाता है। हे भगवान, ओम क्या कर रहे हो? हाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हुक्का आप सबने देखा ही होगा, ये गांव में हर घर में होता है और हमारे यहाँ पे भी है। सभी लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, पिताजी ताऊ जी सब बैठ के, और ये रहे हमारे देवर जी राकेश, जो सेकंड नंबर के ताऊ जी हैं, उनका बेटा राकेश। पी के दिखा रहे हो? ऐसे पीते हैं ओम तो, जब देखो अपने चाचू के पास सब्जी भी तैयार, दोनों मिलके आलू काट रहे हैं, दोनों मिलके आलू काट रहे हैं। और मेथी, मेथी छाननी पड़ेगी ना, मेथी काट रखी है। अच्छा कटी हुई है? कटी हुई है। ठीक है, तो इसमें प्याज डाल दें आज? हाँ प्याज डाल दियो। ठीक है, प्याज डाली जाएगी। ठीक है ठीक है, बना रही है मम्मी जी, एक मेथी भी है, खोआ बना रही है, खोआ। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना? और अभी मेरे ख्याल से एक घंटा तो हो ही गया आपको, एक घंटा तो हो गया बैठे हुए, एक और लग जाएगा ना, एक और ना। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने कितना दूध लिया होगा? दूध 4 किलो तो बत्ती बत्ती था, 4 किलो से ज्यादा ही था। हाँ। अच्छा 1 किलो से ज्यादा मावा निकला भाई। अच्छा 1 किलो से ज्यादा निकल जाएगा मावा। हाँ, निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बन रहा है घर का मावा। हाँ। कोई खोवा बोलता है, कोई मावा बोलता है। हाँ। है ना, खोवा तुम्हारे किसे का जो मावा ही बोल रहे। हाँ वैसे मावा ही बोलते हैं बाहर, जो गांव में गए हैं देसी वो तो खोवा कह दे हैं, घर का डर जाए तो उसने खोवा बोल रहे हैं। हाँ पर नहीं तो मावा ही बोलना से। जैसे बाहर से खरीदो तो मावा ही बोलते हैं ना, पर ये घर का प्योर निकल रहा है। तो घर का अपने मैशका का जावड़ा अपना बढ़ाया उड़े। हाँ हाँ वही तो, और वो तो बाहर घर के रखे के गए रहे हैं। हाँ उसमें तो पता नहीं क्या डाल देते हैं, और कती सफेद पाओगा। एक मारा तो लाल लाल हो जाएगा पक्का कती। अच्छा वो नहीं लिया मत, जैसे दूध सफेद था एकदम। हाँ उसा वो तो उके रखे के गए उसमें। Thank you.